हेलो मॉमीज, वेलकम टू एनजी फन लर्निंग। आज मैं बात करने वाली हूँ ए की मात्रा छोटे बच्चों को कैसे सिखाई जाए। इससे पहले मैं मात्रा सीरीज की 7 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। उनमें मैंने बताया हुआ है कि हिंदी की मात्रा बच्चों को कैसे सिखाया जाए, उसका अभ्यास कैसे कराया जाए, उनका उच्चारण कैसे सिखाया जाए। तो इनकेस अगर आप कहीं बाहर हो, आपके साथ स्टडी मटेरियल नहीं अवेलेबल है, तो भी आप इन वीडियोस की हेल्प से बच्चे को आसानी से मात्रा का ज्ञान दे सकते हो, उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हो। तो इन वीडियोज को आप जरूर देखें, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मात्रा सिखाते समय सबसे पहले बच्चे को इसकी पहचान कराई जाती है कि स्वर ए की मात्रा इस तरह से होती है और ये किसी भी व्यंजन के ऊपर इस तरह से लगती है। ये हो गई इसकी पहचान। उसके बाद बच्चे को उसका उच्चारण बताते हैं। बच्चे को बताइए कि छोटी ए की मात्रा छोटी होती है, इसे छोटी ए भी बोलते हैं। तो छोटी ए की मात्रा छोटी होती है और धीमी होती है। जैसे क पे ए की मात्रा के, ख पे ए की मात्रा खे, ग पे ए की मात्रा गे, इस तरह से इसकी उच्चारण छोटी होती है, इसका टोन छोटा होता है। तो ये हो गई इसकी पहचान और फिर उच्चारण। इसके बाद बारी आती है अभ्यास। तो इसके लिए आप सबसे पहले बच्चे को कि सारे व्यंजन पे ए की मात्रा लगाकर बोलने के लिए बोलिए, तो इससे उनका मात्रा लगाने की और उच्चारण की दोनों का अभ्यास हो जाएगा। तो क पे ए की मात्रा के, ख पे ए की मात्रा खे, ग पे ए की मात्रा गे, घ पे ए की मात्रा घे, इस तरह से सारे व्यंजन पे उनसे मात्रा लगवाइए और फिर उनसे बोलने को कहिए। अब बारी आती है शब्द अभ्यास कि ए मात्रा से बनने वाले शब्द की अभ्यास बच्चों से कैसे कराई जाए, पढ़ने की और लिखने की। तो पहले आप पढ़ने के लिए उन्हें बताइए कि इस तरह से तुम्हें इसे तोड़ तोड़ कर पढ़ना है। जैसे र ए की मात्रा रे, ल रेल, ख ए की मात्रा खे, ल खेल, म ए की मात्रा मे, ल मेल, ज ए की मात्रा जे, ल जेल, त ए की मात्रा ते, ल तेल, प ए की मात्रा पे, र पेड़, श ए की मात्रा शे, र शेर, ख ए की मात्रा खे, त खेत, म ए की मात्रा मे, घ मेघ, इस तरह से तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे बच्चे तो उन्हें मात्रा और व्यंजन सब वो कैसे बोलना है, पढ़ना है, वो समझ में आएगा। फिर उन्हें बोलिए अब तुम्हें मन में सोचना है मात्रा के साथ और फिर बोलना है। जैसे केला, केला, खेला, खेला, इनिशियली बच्चा धीरे धीरे बोलेगा, फिर वो स्पीड पकड़ लेगा। इसी तरह से रेखा, देखा, लेना, देना, तेरा, मेरा, इस तरह के मिलते जुलते शब्द के अभ्यास, मैं बार बार कहती हूँ फ्रेंड्स, इस तरह के मिलते जुलते शब्द का अभ्यास बच्चे से करवाइएगा, तो बाद में जब हम उनके लिए प्रैक्टिस के लिए देंगे कि इनसे मिलते जुलते शब्द लिखो, तो उनके लिए एक ईजी होगा, उन्हें पहले से पता होगा कि इसका मिलता जुलता ये होता है और उन्हें ये करने में भी बड़ा इंटरेस्ट आता है। जैसे वो पढ़ेंगे लिखेंगे केला, मेला, खेला, ठेला, तो उनको बहुत इजी लगता है और वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो हमें इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ढूंढनी होती है बच्चों के साथ और उनके काम को इजी करना होता है। तो अब आगे देखते हैं 3 अक्षर वाले शब्द जहाँ ए की मात्रा यूज हो रहा है। तो स वे रा, सवेरा, ब से रा, बसेरा, ठ ठे रा, ठठेरा, करेला, करेला, श पे रा, शपेरा, ई श के, इसके, ऊ श के, उसके, अ पौने, अपने, श पौने, शपने, इस तरह से डेली यूज वाले शब्द का प्रयास करवाइए। इनिशियली उनके लिए बेनिफिशियल होगा और वो इंटरेस्ट भी लेंगे। देन सहेली, सहेली, इसी से मिलता जुलता पहेली, पहेली, चमेली, चमेली, नेओला, करने, उसी तरह से भरने, भरने, वेतन, वेतन, बेशन, बेशन, गणेश, गणेश,
इस तरह से बुक लेकर या फिर इसकी भी प्रैक्टिस खूब करवाइए पढ़वाने की, फिर उनसे लिखवाने की प्रैक्टिस करवाइए, उनका डिक्टेशन लीजिए, तो फिर पता चलेगा कि हाँ वो उच्चारण सही समझ के लिख रहे हैं या मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको फिर से आप लिखवाइए, फिर से पढ़वाइए। तो इस तरह से ये पेशेंस का काम होता है, मात्रा सिखाना बच्चों को एक बहुत ही पेशेंस का काम होता है, पेशेंसली और धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, यूजफुल लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।